यहाँ का वेदर सबसे अनप्रिडिक्टेबल है। डे बिफोर यस्टरडे स्नो था, कल पूरा सन और आज बारिश है। बताओ, विंटर में यहाँ पे बारिश हो रही है तो यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि आज कैसा होगा। वेदर फोरकास्ट में होता तो है, उसमें दिखा तो रहा था कि आज होने वाला है बारिश, तो देख लिया था कैसा है। ऐसा ऐसा ही हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा ही हो जाता है। चलो मास्क पहन लेते ताकि वहाँ मुँह पे ठंड ना लगे, इसके लिए मैंने मास्क पहन लिया। मेरी तरह अभी आ जानी चाहिए। और ये बहुत स्लिपरी हो जाता है अगर ऐसी बारिश होती है स्नो में, तो स्नो स्लिपरी हो जाता है, इसके लिए ध्यान रखना पड़ता है चलने का। ये देखो पूरा एकदम वाइट, पता नहीं आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा, इट इज जस्ट वाइट। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता होगा आपको, पूरा फॉगी फॉग है। सो रेनी वेदर इज नॉट गुड हियर टुडे। बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कि यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया हूँ और मैंने वो आपको दिखाया भी है। अभी मैं फिर से दिखाता हूँ वो सेम एरिया में, आप अभी देखिए क्या मतलब क्या सिचुएशन, सी क्लियर डिफरेंस। देखो कितना क्लियर हो गया है, ये सब ढोकलापन है। मतलब ये कैसा वेदर था और थोड़ी देर 45 मिनट क्या वेदर हो गया है। तो हियर इट इज लाइक दिस ओनली, कि आपको वेदर का कभी भी पता नहीं चलेगा कि कब कैसा हो जाए। तो आपको आपको अपने साथ छाता भी रखना है, आपको जैकेट भी पहनना है वाटर रेजिस्टेंस वाला, और विंटर शूज भी पहनना है। तो कुछ भी हो सकता है कभी भी यहाँ पे। समर में उतना वो नहीं होता, लेकिन ये सीज़न है जिसमें ये बहुत फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि किसी दिन -20 होता है तो दूसरे दिन +10 हो जाता है, ऐसा भी देखा है। तो इट इज़ बिट अनप्रिडिक्टेबल वेदर हियर इन कनाडा, यही ना आपको दिखाना था तो आपको पता चल कि एक्चुअल में कैसा वेदर है यहाँ पे, जो मैंने आपको लाइव दिखाया है, मतलब दोनों कंपेयर करके दिखाया मैंने आपको। अगर आप वेदर फोरकास्ट में देखोगे तो यही सेम दिखा रहा है कि बारिश होगी और ऐसे थोड़ा विजिबिलिटी कम होगी, ऐसा वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है, लेकिन जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया इट्स टोटल डिफरेंस। तो हाँ, प्रिडिक्शन तो उसने कल ही दिखा दिया था कि आज बारिश होगी और पूरा दिन बारिश भी हुई है, नॉट डैट मच बट थोड़ा बहुत, तो बूंदाबांदी तो शुरू है।